सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों करते हैं शुरुआत सबसे पहले पुराने पोल से यार, जहां पे सवाल ये था कि आपने मोबाइल फोन यूज करना कब से शुरू किया है। तो यहाँ पे आप में से मेजोरिटी 53% ने बोला है कि यार आपके पास जो फोन आया वो आया अभी पिछले 5 सालों में, 2016 से 2021 के बीच में। उसके अलावा अगर 24% लोग बोलते हैं 2011 से 2015, 13% लोग बोलते हैं 2006 से 2010, और फिर कुछ कुछ लोग हैं जिनके पास में बहुत पहले फोन आया था 2000 से 2005 के बीच में ही, मेरे पास भी आया था। अब खैर ऐसे में दोस्तों बात करते हैं अगर हम आज के पोल की, तो सवाल ये है कि आपके फ़ोन में क्या आप एक मेमोरी कार्ड को यूज़ करते हैं, और अगर करते हैं तो उसकी आखिर कैपेसिटी कितनी है। बताना उसको ज़रूर कि आपका जवाब सीधा पोल सेक्शन में जाते हुए, नीचे कॉमेंट करते हुए, और हमेशा हर बार की तरह पूरी ताकत के साथ में दबा डालिए वीडियो में सीधा लाइक बटन को। या दोस्तों बात करते हैं पहले वीडियो को लेकर, और निकल के आता है सीधा टोक्यो ओलंपिक 2020 से लेके, जहां पर दोस्तों अभी हमारे पास में आ गई है गुड न्यूज कि इंडिया को मिल गया है गोल्ड मेडल। और यहां पर दोस्तों नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत लिया है। आई मीन मैं इवेंट को लाइव देख रहा था और यार जो खुशी मिली वो बहुत ज्यादा हुई, तो एक स्पेशल लाइक तो बनता है खासकर से गोल्ड मेडल विनर नीरज चोपड़ा के लिए। और क्या कमाल का भाला फेंका है सीधा, बहुत मजा आ गया इवेंट को देख के। अब खैर हम शुरुआत करते हैं थोड़ा सा टेक न्यूज के साथ में। तो यहां पर दोस्तों जो पहला अपडेट वो निकल के आता है मी मिक्स 4 को लेकर, और यहां पर दोस्तों ये गीकबेंच लिस्टिंग में सामने आया है, जहां मालूम ही चलता है कि इसमें होने वाला है स्नैपड्रैगन 888+ प्रोसेसर, और यहां पर दोस्तों साथ में होगी 12 और 16 जीबी की रैम। अब खैर देखते हैं एग्जैक्टली कि यार और क्या कुछ प्लानिंग चल रही है Mi Mix 4 की तरफ से, और ऐसे में Xiaomi कैसे एक कंप्लीट पैकेज बनाने की कोशिश कर पाता है, और इस फोन में आखिर कुछ खास यूनिक दे पाता है या नहीं। अगला और अपडेट निकल के आता है सीधा हमारे पास में गूगल की वो जो कस्टम टेंसर चिप है उसको लेके, और यहां पर दोस्तों माने रिपोर्ट्स को तो यार ये बेसिकली एक एक्सिनोस प्रोसेसर हो सकता है, एक अनरिलीज्ड एक्सिनोस प्रोसेसर शायद हो सकता है दोस्तों, जहां पे जिसको गूगल ने नाम दे दिया है अपनी टेंसर चिप का। अभी खैर देखते हैं कि जब ये पिक्सल 6 और पिक्सल 6 प्रो सामने आते हैं तो आखिर हमको और क्या डिटेल्स मिलती हैं इसी कस्टम टेंसर चिप की। अगला उस अपडेट निकल के आता है सीधा हमारे पास में एक दुनिया के सबसे छोटे 4G स्मार्टफोन के लेके, दोस्तों ये इंडिगो के ऊपर लाइव हो गया कैंपेन, जहां पे इसका नाम है मिंट, और ये है दोस्तों सिर्फ 3 इंच के स्क्रीन साइज के साथ में आने वाला दुनिया का सबसे छोटा 4G स्मार्टफोन। और यहां पर दोस्तों ये एक एंड्रॉइड फोन है, काफी ऐसे छोटा सा मिनीचर सा हो जाएगा। क्या आप इसका वीडियो देखना पसंद करेंगे क्या, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगला उस अपडेट निकल के आता है हमारे पास में YouTube को लेके, जहां दोस्तों जब आप वीडियोस देखते हैं तो यार फॉरवर्ड और रिवाइंड वगैरह करने के लिए यहां पे अभी एक नया जेस्चर आ गया, जहां पर दोस्तों आप टैप होल्ड उसके बाद में आप स्लाइड कर सकते हैं ताकि आप बड़े आराम से वीडियोस को आगे या पीछे जो है वो सीधा टाइमलाइन के हिसाब से मूव कर पाए। अगली दोस्तों कहानी निकल के आती है Xiaomi के Mi Pad 5 को लेके, यहां पर दोस्तों अभी इसकी ऑफिशियल कीबोर्ड एक्सेसरी के साथ में इसको टीज किया गया है, तो यहां पर दोस्तों डेफिनेटली एक कीबोर्ड अटैचमेंट हमको देखने को मिलने वाला है। बाकी अगर देखते हैं जो 10 अगस्त को होने वाले लॉन्च इवेंट, तो उस दौरान क्या क्या चीजें Xiaomi पैक करके लॉन्च करता है। यहां पर दोस्तों अगली कहानी आती है पबजी बजी को लेके, यहाँ पे दोस्तों बात कर रहे हैं PUBG बीजी, बिकॉज अभी दोस्तों जो नाम है वो हो गया है प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड्स पबजी बैटल ग्राउंड्स। दोस्तों यहाँ पे नाम चेंज हो गया है, तो ये रिपीट नहीं हो गया है, प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड्स मतलब पबजी बैटल ग्राउंड्स। तो यहाँ पे दोस्तों जो नया नाम है ये अभी आ चुका है इंडिया में, अगर आएगा बैटल ग्राउंड्स वाइल इंडिया बैटल ग्राउंड्स, तो सोचो आप कैसा लगेगा। यहाँ पर दोस्तों अगली निकल के आती है हमारे पास ट्विटर को लेके, और यहाँ पर दोस्तों ट्विटर ने अपॉइंट कर दिया है ग्रीवियंस ऑफिसर, जो इंडिया के दोस्तों नए IT रूल्स उनको ओबे करते हुए, तो फिलहाल के लिए ट्विटर की दुनिया में एकदम ऑल इज वेल। अगली दोस्तों कहानी आती है सीधा हमारे पास में Huawei Mate 50 को लेके, और यहाँ पर दोस्तों इसमें Qualcomm का प्रोसेसर होने वाला है अगर हम दोस्तों माने एक लीक रिपोर्ट की, और साथ में एक रेंडर निकल के आया है, कैमरा लगता है कि भैया बीच वाला कुछ स्पेशल लेके आएगा अपने साथ में जूम वगैरह। देखते हैं वैसे Huawei क्या प्लान करता है इसी Mate 50 सीरीज के साथ में। अगली दोस्तों कहानी आती है GTS 6 को लेके, और यहाँ पर दोस्तों इसकी जो लेटेस्ट लीक है वो अभी हमको दोस्तों मिलती है Red Dead Redemption 2 में, और ऐसे में लगता है कि भैया कुछ खास जो है वो मिलने वाला है Rockstar Games की तरफ से। और यहाँ पर दोस्तों GTS 6 है ये कॉन्सोल मोबाइल वगैरह काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पर शायद हमको देखने को मिलेगा। अब बस उम्मीद ये करते हैं यार जल्दी आ जाए
इतना लंबा इंतजार वैसे हो नहीं पाएगा, और काफी लंबा गैप हो जाएगा यार रन GTA 5 के बाद में। यहाँ पे दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है, यहाँ पे सीधा कैंसल्ड जो था दोस्तों फोन LG का Velvet 2 Pro, उसमें भी गूगल AR कोर का सपोर्ट आया है। अब यह तो फोन ही कैंसिल हो गया था यार, LG बेचारी कंपनी डाटा बोल के जा चुकी है। अब वैसे क्या आप LG को मिस कर रहे हैं क्या, क्या आपको याद आती है LG? क्या लगता है कि यार क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 और Z Flip 3 को लेके। यहाँ पर दोस्तों अभी कुछ और रेंडर्स वगैरह निकल के आ गए हैं, और यहाँ पर दोस्तों ने माने रिपोर्ट्स की तो जो Z Fold 3 है उसमें दोस्तों जो दोनों स्क्रीन हैं वो आने वाले हैं इस बार 120Hz की अडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ में, और ऐसे में दोस्तों 4 मेगापिक्सल्स का अंडर डिस्प्ले कैमरा होने वाला है, जहाँ पे सैमसंग ने टेक्नोलॉजी को काफी अच्छे से इंप्रूव भी किया है। लेट्स सी, खैर के भी भैया मैं कर रहा हूं इंतजार सीधा 11 अगस्त का, देखते हैं सैमसंग कैसे क्या क्या स्पेसिफिकेशंस के साथ में इस फोन को लॉन्च करता है। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है यहां पे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के iOS रिलीज को लेके, और यहां पर दोस्तों क्राफ्टन ने इसको एक तरीके से ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि बस जल्दी आने वाला है, बिकॉज यहां पर दोस्तों ये पोस्ट किया है क्वेश्चन मार्क के नीचे हमको दिख रहा है एप्पल। अब एप्पल वैसे खाया हुआ तो नहीं है, बाइट के साथ में नहीं है, वरना वो ट्रेडमार्क इश्यूज वगैरह हो जाते हैं, बट एनीवेज यहाँ पर दोस्तों हमको एप्पल दिख रहा है। कहने का मतलब साफ है कि जल्दी ही आने वाला है iOS पे, ऑफिशियली अभी बता ही दिया है जब क्राफ्टिंग, तो लगता है कि बस मतलब अब कुछ ही दिनों की शायद बात होगी जब हम देखेंगे सीधा iOS के ऊपर बैटल ग्राउंड्स को, तो आप जो गेमर्स हैं वो थोड़ा सा अपना जो है वो अच्छे से शायद गेम खेल पाएंगे, लेकिन अगेन लिमिट में। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है हमारे पास में एयरटेल को लेकर, और यहाँ पर दोस्तों काफ़ी कुछ डेली यूजर्स को जो है वो दोस्तों सर्विस डीएक्टिवेशन का मैसेज जो है वो गलती से एयरटेल ने भेज दिया था। तो अगर आपके फोन में ऐसा मैसेज आया कि भैया आपका जो है वो सर्विस वगैरह डिसकंटिन्यू वगैरह हो जाएगी, डीएक्टिवेट वगैरह हो गया आपका नंबर, तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज दिल्ली में कुछ यूजर्स को एयरटेल ने गलती से ऐसा मैसेज भेज दिया था। यहां पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है लास्ट, एक ब्लूटूथ ईयरफोन्स के ब्लास्ट को लेकर, और यहां पर दोस्तों राजस्थान में एक 28 साल के लड़के की डेथ हो गई। दोस्तों जो डेथ हुई वो हुई कार्डियक अरेस्ट से, और ऐसे में कानों में ब्लूटूथ ईयरफोन थे वो ब्लास्ट हुए, उसके बाद दोस्तों जब लेके गया हॉस्पिटल तो उस टाइम पर दोस्तों यहां पे डेथ हो गई कार्डियक अरेस्ट से। तो अगेन किसका फॉल्ट था या क्या कहां पे गलती थी, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था या कुछ और रीजन था दोस्तों, वो खैर अभी तक मालूम नहीं चल पाया कि आखिर कौन से ब्रांड के ईयरफोन्स थे, वो भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन ये एक हादसा हुआ तो मुझे लगा कि आपसे क्यों ना शेयर किया जाए। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।